मनोचिकित्सक थे। वह एक महिला का इलाज कर रही थी तो उसे अक्सर बुरे सपने आते थे और एंजाइटी के दौरे भी पड़ती थी और कारण कोई दिखाई नहीं देता था। मनोविश्लेषण के दौरान वह अनायास जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था में चली जाती थी जहां से उसे बीती घटनाएं दिखाई देती थी। उस दौरान डॉक्टर वाइज की निजी जिंदगी की घटनाएं भी बता देती थी। तो नहीं होया करता, वो क्यों कटवा दिया? कहूं था ना छोरी का झूला गाल लेंगे। ए बहू देखिए बालना कौन सा है। बाबू कौन से बेटा? मैं तेरा अज्जू बाबू। क्यों आंधे के लिए मजाक करे से बेटा, अज्जू ना तो जाए मुद्दत होली। परीब में आ गया बाबू, तेरे धोरे गीता धोरे। और सुनैना नोनू की थे? कमल के बचपन का नाम इसने क्यों कर मेरा? डॉक्टर वाइज को उस पर विश्वास करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इसकी एक चिकित्सा पद्धति बना ली। वह अपने मरीजों को सम्मोहन की तंद्रा में उनके पिछले जीवन की स्मृतियों में ले जाती थी। जो भी किसी बीमारी से पीड़ित होता उसके स्रोत उन्हें पिछले जन्म की घटनाओं में मिलाता था। कुछ घाव कुछ चोटें वो पिछले जन्म से पाले रहते हैं, जब तक वे स्रोतों तक नहीं पहुंचते वे गायब नहीं होते थे। इसलिए इनका इलाज किसी दवा से नहीं हो पाता। जब वे उन अनुभवों को मानसिक तौर पर जी लेते थे तब वे उन रोगों का निदान ही कर पाते थे। वे उन अनुभवों को मानसिक तौर पर जी लेते उनकी आँखें की रोशनी तो जवान बेटे की राह देखते देखते बुझ गई। पर मन की आँख कति ठीक से, पर मेरा मन नहीं बाद रहा ये भी। बाबू तन की आँखें खातर तो कह करता, अख दिल्ली चाल मेरी गैल, मोतिया उतरने ते पहला पहला बनवा लाऊं। नहीं मान्या ये बैठ गया ना। माँ तू रोवे क्यों है? क्यों होया भाई? माँ कौन है ये? ये रोहतक आने ते आए हैं और न्यू कहे हैं कि तेरे पापा का दूसरा जन्म इनके घर में होया है और इसने पिछले जन्म का तेरा पापा बतावे हैं। पिछला जन्म यो के मजाक है यो? सच सच बताओ कौन हो तुम? बालक तो खूब गाबरू हो रहे हैं। मैं तेरे तक कह करता ना, अब सुनैना कति तेरे ऊपर गई से, पर तू मानना ना करती। ओ हेलो छोटे, के बकवास कर रहा है? हैं तेरे तमीज ने अपने पटिया दा बात करन की? के है आंटी वो सब? होना के है सरासर कोई ना कोई ठग से, और की मैंने की मैं ठंड के चक्कर में से। देख भाई हमने सर पे कुछ नहीं ठगना, मारा छोरा 2 साल से बीमार चल रहा था, बहुत परेशान था। फिर किसी ने माधव आचार्य जी के बारे में बताया, हम ग्रोहली गए और आचार्य जी ने मारता बताया और फिर अमूरा आए हाँ अक्को करे मारा छोरा ठीक हो जा। माँ जतिन के घर के भी ग्रोहली आचार्य जी के भगत है। ये मामला तो मेरा नहीं जी, ये थारा जी अभी था कि नहीं, हमने तो अपना छोरा सही सलामत चाहिए। वे उन अनुभवों को मानसिक तौर पर जी लेते तो उनके शरीर पर रोग अपने आप ही हट जाते। ओशो ने भी डॉक्टर वाइज की तारीफ की लेकिन उन्हें सावधान किया कि यह सुनिश्चित करें कि रोगी पिछले जन्मों की कल्पना कर रहे हैं या वाकई उन घटनाओं को जी रहे हैं। अरे मेरी बोली माँ, अरे दूसरा जन्म होया करा है मरे हुए का, और मेरे पापा अचानक गायब होया था ना, ना किते मिला और ना उसकी कोई खबर और ना उसकी डेड बॉडी। तो तुन्नू बता दिए कि क्यों कर मान ले मैं, अब पहले तुन्नू ये पक्का ना सहक मेरे पापा मर गया था। नोनू मैं मर गया था जब भी तो मेरा दूसरा जन्म होया। अच्छा जी तो एक बार बताओगे कदर क्यों कर्मो तो आपकी? देखा मैंने कहा था ना कि ये फ्रॉड्स हैं और कुछ ना है। चलो अंकल जी ड्रामा खत्म होया, चलो चलो आप। बेटा फिलहाल नहीं दिखता पर इन आख्या ने दुनिया देखी से और मेरा तजर्बा कैसे कि ये लोग झूठे तो कति भी ना से। एक काम करो तेरे ताऊ और ने हर गांव के 4-5 मौजूदा दमिया ने इकट्ठे कर लो और आज आज इन आराम कर दो, तड़का हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक सर दादा, पर मन यकीन ना है। मैं भी जितिन तसल्ली कर लूंगी आचार्य जी के बारे में। यदि वस्तुतः वह पिछले गांवों को जी लेते हैं
तो इस शरीर में उनका रोग ठीक हो जाता है और उनकी यादें मिट जाती है। इसलिए सम्मोहन के साथ साथ ध्यान को जोड़ना भी आवश्यक है।